इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस शेयर में जैसे पिछले कुछ महीनों में नए इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं और इस शेयर की प्राइस में जैसे उछाल आए हैं ना, वो वाकई अविश्वसनीय है। इस वीडियो को मैं काफ़ी सरल भाषा में और बहुत ही अवेयरनेस वाली ये वीडियो, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ ऐसे बहुत बड़े बदलाव आए नहीं हैं जितना लोगों ने इसको बना के रखा हुआ है। कंपनी की अगर बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स लगभग 86% है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ रेट 17%, प्रॉफिट ग्रोथ रेट 4%, आरओई जो है वो 14%, आरओसीई जो है वो 5.23% है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर डेट भी दबा के हैं। कंपनी के अगर बारे में हम बात करें तो पाएंगे कि कंपनी लार्ज कैप हो चुकी है। इसके अलावा 14 की पीई है, डिविडेंड भी ठीक ठाक दे रही है लगभग आपके सेविंग अकाउंट के बराबर में। कंपनी की जो सेक्टर की पीई है वो 17.21 है। अब हम चलते हैं कंपनी के रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करते हैं नंबर्स में, जो कि ज़्यादा सरल होगा आपको समझने के लिए। तो हम पाएंगे रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। देख रहे हैं आप 2020 से 2023 में मुश्किल से कितना अंतर आ रहा है, लगभग 3000 करोड़ का, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसके अलावा नेट इनकम को देखें तो नेट इनकम भी बहुत थोड़ा सा इसमें बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट पर जाएं तो बैलेंस शीट भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है जितनी की होनी चाहिए ऐसी कंपनीज में। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप इसको ग्रोथ स्टॉक के तौर पर नहीं रख सकते हैं कभी भी। आपको बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में। जो प्राइस इसकी चल रही है ठीक है, स्विंग ट्रेड लेने वालों के लिए बढ़िया स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, सिर्फ डिविडेंड के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको लीजिएगा, उससे ज़्यादा इससे उम्मीद रखिएगा मत। खैर, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। कंपनी के कॉम्पिटिटर को अगर देखें तो PFC है, REC है, रेल विकास निगम लिमिटेड है। रेलवे का भी कोई भी स्टॉक हो, बहुत ज़्यादा फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइक नहीं आई है फंडामेंटल्स में कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे देगा। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहिए। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी भी रेलवे स्टॉक्स में नए मिस्टेक्स नहीं लिए हैं उन लोगों ने, बल्कि अपने स्टेक्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हल्का किया है अपने पोर्टफोलियो से, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम आते हैं कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देखें तो हम पाएंगे कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक्स को पहले से काफ़ी कम किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी कम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी कम है, रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें दबा के घुसे हुए हैं। कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड के लिए बढ़िया स्टॉक है। इसके अलावा कुछ इसमें खास नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, कंसोलिडेशन पीरियड में आ रहा है, तो अब इसको बाय कीजिएगा। IRFC के शेयर होल्डर्स के लिए मेरी एक खास मैसेज है, अगर आप इस शेयर को ग्रोथ स्टॉक के तौर पर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको खुश खबरी नहीं सुनने को मिलेगी। और अगर आप इस मार्केट में सेफली खेलना चाहते हो, अगर पैसे को सेफली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए बेहतर है। डिविडेंड स्टॉक है, काफ़ी अच्छा आपको डिविडेंड मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, यही इसमें एक एक्स्ट्रा एज है। बाकी बहुत थोड़ा थोड़ा नॉमिनल ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। स्विंग ट्रेड वगैरह लेना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड आप इसमें बढ़िया ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा उम्मीद रखिएगा मत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरीके की निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विचार जरूर ले दीजिएगा। किसी भी आंडू पांडू इन्फ्लुएंसर को सुन के किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेनी स्टॉक से खास करके आप दूर रहिएगा, उन स्टॉक से जो कि सिर्फ न्यूज में सुनने को मिल रहा है, फंडामेंटल्स उनके अच्छे नहीं है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स सिर्फ आपको स्विंग ट्रेड करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कराएंगे। सेंटीमेंट्स कुछ टाइम के रहेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर दूसरा शेयर सेंटीमेंट पॉजिटिव लेके आ जाएगा, उसके शेयर प्राइस बढ़ने लगेंगे, तो आप कितने शेयर को ऐसे खरीदेंगे आप। और कोई भी शेयर हो जो कि पेनी स्टॉक को फंडामेंटली खराब हो, अगर डाउन ट्रेंड में चल पड़ा है ना, तो निकल जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। स्टॉप लॉस लगा के रखिए और कभी भी एवरेज करने की गलती मत कीजिएगा स्मॉल कैप और जो पेनी स्टॉक्स हैं उन सभी को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।